नमस्कार साथियों, सभी का वेलकम। देखो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 17 सितंबर 2023 को सबसे बड़ी वैकेंसी है जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी, जिसका एग्ज़ाम 17 सितंबर 2023 को करवाया जाएगा। पिछली बार ये एग्ज़ाम 2016 में आरपीसी द्वारा करवाया गया, उससे पहले 2011 में भी आरपीसी द्वारा करवाया गया। तो 2011 और 2016 में क्या रही कट ऑफ, कैसा रहा पेपर का लेवल, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी अपन बात करते हैं सिलेबस को लेके। जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी है L10 है, 3600 पे ग्रेड की ये वैकेंसी है और इसमें सब्जेक्ट है फर्स्ट और सेकंड पेपर मिला के 12 सब्जेक्ट हैं टोटल। फर्स्ट पेपर है और जीके से संबंधित है, जिसमें 6 सब्जेक्ट हैं। 6 कौन कौन से, फर्स्ट बात की जाए तो हिंदी आपको मिलेगी यहाँ पर। हिंदी के 25 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के भी 25 हैं, मैथ साइंस कंप्यूटर राजस्थान जी के, इन सबको मिला के टोटल 150 क्वेश्चन मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न यहाँ 3 नंबर का होगा, तो पेपर है वो 450 नंबर का होगा। सेकंड पेपर भी 450 का है, दोनों मिला के टोटल 900 हो गए। अलग अलग 40% लाना अनिवार्य है यहाँ पर, पिछली बार भी यही नियम था। वैकेंसी 5190 पदों पर है। इस चैनल के माध्यम से जब तक ये एग्ज़ाम होगा तब तक आपको यहाँ से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहेगी। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी सामान्य हिंदी जो CET में अपन ने पढ़ी है वही है। CET में जिसका स्कोर 50% से अधिक है वो यहाँ सेफ जोन में है, फाइनली वो शामिल हो जाएंगे, क्योंकि 15 गुना या 75,000 प्लस हैं। तो जहाँ तक चांस है, 300 में से जिसके 145 नंबर है, 145-140 भी मान लो आप, फाइनली वहाँ उसको इनवाइट कॉल आ जाएगा और वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी के बाद यह इंग्लिश है, तो ये फर्स्ट पेपर CET का ही सिलेबस है। यहाँ पर आपको मैथ, सामान्य मैथ पढ़नी है, सामान्य साइंस पढ़नी है 10th लेवल तक ही, ज़्यादा इसमें लेवल कठिन नहीं होगा। बेसिक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का विशेष ध्यान रखना है, कंप्यूटर की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट पूछी जाती है, फाइनली आपको अच्छी तरह से कंप्यूटर तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे 2016 का पेपर कैसा आया। इससे पहले मैंने जो पेपर आउट हो गया था, ये निरस्त पेपर हुआ था 2016 से पहले, उसका वीडियो मैंने लगा दिया है आंसर की के साथ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।